छत्तीसगढ़ के भिलाई में सकल गुजराती समाज द्वारा 10 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष राजनी भाई दवे ने बताया कि सेक्टर 7 BSP स्कूल ग्राउंड में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रंगारंग पतंग उत्सव में रंग बिरंगे पतंगों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों की महक भी होगी। बता दें कि वह पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। गुजरात में जब सूर्य उत्तरायण में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसे गुजरात में अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है। पूरे गुजरात में इस दिन आसमान में पतंगों की रंग बिरंगी छटा दिखाई देती है। यह केवल गुजरात में ही नहीं, जहां जहां गुजराती समाज के लोग हैं वहां वहां भी पतंग उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नवरात्रि पर्व की धूम रहती है, ऐसे ही गुजरात में भी पतंग उत्सव पर सांस्कृतिक छटा दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में भी गुजराती समाज द्वारा बड़े ही आकर्षक ढंग से पतंग उत्सव का भिलाई में भव्य रूप से मनाने का निश्चय किया गया है। इस अवसर पर दुर्ग भिलाई के गुजराती समाज द्वारा फेस्टिव फूड की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें गाठिया, ढोकला, फाफड़ा एवं उधिया की सब्जी का डिश आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त जलेबी, कचौड़ी, समोसा भी स्टॉल में उपलब्ध रहेगा। पतंग उत्सव में गुजरात एवं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का मिला जुला संगम दिखाई देगा। पतंग उत्सव में रायपुर, धमतरी, कांकेर, दल्ली राजहरा, बालोद के प्रतिभागी भाग लेंगे तथा विजयी प्रतिभागी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में राजेश राजा, MK वड़े, दीपक पटेल, गिरीश भाई सावरिया, लक्ष्मी नारायण विश्वा ने भी जानकारी दी। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। समाज का सेक्रेटरी बताएंगे किस तरह का आयोजन आप लोगों द्वारा किया जाने वाला है, क्या उद्देश्य इसके पीछे? इसका उद्देश्य यह है कि एक जो सामाजिक भाईचारा है, गुजरात में जो पतंग उत्सव माना जाता है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसी तर्ज पे हम चाह रहे हैं कि गुजरात की संस्कृति को लोग छत्तीसगढ़ में भी पहचानें। जैसे नवरात्रि की धूम लोग काफ़ी परिचित हो चुके हैं राज गरबा से, उसी तरह पतंग उत्सव भी है, बहुत बड़ा आयोजन है वहाँ का, तो उसको हम चाह रहे हैं कि यहाँ की भी जनता उसको पहचाने। रंग बिरंगे पतंगे पूरे आसमान पर उड़ेंगे। विशेष आकर्षण क्या रहेगा इस बार आपको? विशेष आकर्षण एकदम मतलब डिजाइनदार पतंगे हैं वहाँ पर, खूबसूरत रंग बिरंगे पतंगे रहेंगे, जिसमें पूरे समाज के महिला वर्ग, बच्चे और काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के इसका आनंद लेंगे, जो मकर संक्रांति के समय में मनाया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ये गुजरात का ट्रेडिशन है, तो क्या सिर्फ गुजराती परिवार इसमें सम्मिलित हो सकता है? नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है, गुजरात के साथ में जो भी अगर आना चाहे सबका स्वागत है, सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। क्या एंट्री के लिए कुछ शुल्क वगैरह रखा गया है? नहीं, एंट्री कोई एंट्री शुल्क नहीं है, लोग अपना स्वेच्छा से जब भी आ सकते हैं और उस उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। ये कार्यक्रम कहाँ होना, किस प्रकार की अपील रहेगी? साथ साथ में गेम जोन भी है बच्चों का, प्लस स्टेज प्रोग्राम में जो अपने समाज के प्रतिभावान बच्चे हैं वो भी अपनी प्रतिभा को वहाँ पर निखारेंगे। ये कार्यक्रम कब और कहाँ है, किस प्रकार की अपील? ये कार्यक्रम 10 जनवरी को BSP के सेक्टर 7 स्कूल ग्राउंड में रखा गया है और सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आयोजन है। अगर कोई इच्छुक है पतंगबाजी का और उसके पास पतंग और लटाई की व्यवस्था ना हो, उसके लिए समिति क्या व्यवस्था कर रही है? मेन तो हमारा पतंग उत्सव है, इसलिए हमने फोकस किया कि पतंग का हमारा अपना एक समाज की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर, जो भी आएगा वहाँ पर हम उनको पूरी व्यवस्था करके देंगे और उसका पूरा आनंद लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मेन प्रचार प्रसार हमारा पतंग का ही है, उस संस्कृति को हम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।